ऐसा थोड़ी कि हर पॉजिटिव चीजों को ही प्रभावित करने वाले लोगों को पढ़ लें, ठीक है, निगेटिव को ना पढ़े। तो हिटलर ने अपने तरीके से निगेटिवली इंपैक्ट किया इतिहास की दिशा को, वर्ल्ड वॉर शुरू करवा दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसी की वजह से शुरू हुआ। जिस तरीके का काम किया वो जर्मनी को तबाह करने वाला था, पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था, ठीक है, और एक एक्सियल पावर के रूप में अपना रोम और जापान तक टोक्यो को डेवलप कर लिया और उसके माध्यम से पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर में लगा दिया। तो अपने आप में प्रभाव था उसका, नेगेटिव था लेकिन था। नेपोलियन, बिस्मार्क, ये लोग याद किए जाते हैं हिस्ट्री में, महात्मा गांधी भी याद किए जाते हैं, ठीक है। अब जो लोग जैसे याद करना चाहते करें, अपने हिसाब से लोग करते हैं, ठीक है। मैं अच्छे तरीके से करता हूं, मैं सीधी से बताऊं, आई एम नॉट अ गांधियन, बट गांधियन फिलोसफी के कुछ बातों में यकीन जरूर रखता हूं, ठीक है, क्योंकि उनके जैसा व्यक्ति ना मैंने पूरे नेशनल मूवमेंट में उस तरीके का मास माइंड को पकड़ने वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अब विश्वास नहीं करेंगे, जब वो ब्रिटेन से आए थे तो सूट बूट पहनते थे ना, ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बार एट लॉ करके आए थे, सूट बूट पहनते थे। कितना बड़ा प्रभाव, कितना बड़ा ऑरा क्रिएट कर दिया उन्होंने अपना, कि जब भारत वो आया अफ्रीका से 22 साल के बाद लौट करके 1915 में, तो भारत में कुछ राज्यों के लोग, इनफैक्ट पूरे भारत के लोग उनको भगवान समझते थे। अफ्रीका से ऑरा क्रिएट था उनका। अफ्रीका में भी वो उस ड्रेसिंग सेंस में नहीं थे जिस ड्रेसिंग सेंस में भारत में आप देखते हैं। जनरली हम किस रूप में देखते हैं उनको, है इंडियन ट्रेडिशनल अटायर में देखते हैं हम उनको, है। अगर महात्मा गांधी सूट बूट पहनकर आ जाए तो आप क्या, मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा, है कि नहीं। लेकिन क्यों अपनाया, सोचे आप, वो मास माइंड को इतना जबरदस्त पकड़ रहे थे वहां पर कि उन्होंने कहा कि अगर मैं सूट बूट पहन करके जनता के सामने स्पीच दूं तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा उनसे, ठीक है, वो अपने मुझे अपने बीच का समझेंगे ही नहीं। तो उन्होंने वो अटायर उतार दिया, वेस्टर्न अटायर को हटा दिया, उन्होंने कहा कि मैं इंडियन ट्रेडिशनल अटायर पर जाऊंगा जो गरीबों का है, जो भारत की 90% जनसंख्या पहनती, उसको मैं पहनूंगा ताकि जनता मुझे अपने बीच का समझे। अपना लिया उसको, ठीक है, धोती एंड टर्बन पहन लिया। ठंडी में कैसे रहते थे वो मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल तो यही है, ठीक है, जैसे भी रहते हो, लेकिन कम से कम ये अटायर से जनता को लगने लगा कि ये बंदा हमारे बीच का है। इससे पहले के नेता भी थे, इससे पहले जनरेशन में भी लीडर्स थे बहुत सारे, तिलक थे और बहुत सारे लोग थे, लेकिन तिलक अपने मराठी अटायर में सिर्फ नजर आते थे और महात्मा गांधी रूरल अटायर में नजर आते थे, जो भारत की गरीब जनसंख्या पहनती थी उस अटायर में आते, जिसको 90% लोगों को प्रभावित कर दिया उन्होंने उस अटायर को पहन करके। वर्नाकुलर लैंग्वेज को यूज करते थे अपने भाषणों में, यूज जनरली वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब गुजरात में जाते थे गुजराती बोलते थे, नॉर्थ इंडिया में आते थे हिंदी में बात करते थे, अंग्रेजी में स्पीच थोड़ी दिया कि जनता मूव कर जाएगी आपके लिए, नहीं, वो उनकी लैंग्वेज को पकड़ते थे। उन्होंने प्रोग्राम इस तरीके से बनाए जैसे वो रिलीजन को पॉलिटिक्स का एक टूल समझते थे। मैं नहीं समझता हूं, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में मैं हूं, आजादी के बाद का मैं हूं, तो मैं आज की डेट में राजनीति और पॉलिटिक्स में, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में डिफ्रेंशिएट करता हूं। रिलीजन शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, एंड पॉलिटिक्स और रिलीजन में डिफ्रेंसिएशन होना ही चाहिए आज की डेट में, क्योंकि आज भारत आजाद है। लेकिन उस समय महात्मा गांधी ने सोचे क्या किया, रिलीजन को यूज किया उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, अपने आंदोलन के लिए किया क्या, तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया ताकि मुस्लिम लोग जो है आंदोलन से जुड़े। उन्होंने राम राज्य का कॉन्सेप्ट दिया ताकि हिंदूज मोबिलाइज टूवर्ड द मूवमेंट, वो वुमेन्स को मोबिलाइज करते थे, उनके लिए रामायण और महाभारत की स्टोरी सुनाते थे उनको अपने स्पीचेस में, रामायण और महाभारत की स्टोरी, सोचे, रामायण और महाभारत से, रामायण से वो दिखाते थे कि सीता ने किस तरीके का सेक्रीफाइस किया और उससे वो मोबिलाइज करते थे वुमेन्स को कि आप हमारे आंदोलन की तरफ आओ, और इसके थ्रू उन्होंने मल्टी क्लास एंड मास मूवमेंट बना दिया भारत के आंदोलन को, इससे पहले कभी नहीं हुआ था, ठीक है। तो इन चीजों से वो मास माइंड को पकड़ रहे थे, ठीक है। तो एक्चुअल सेंस में अगर कोई मास लीडर था इंडिया के इतिहास में ना आजादी के दौरान, तो यही थे, और कोई नहीं पकड़ पाया। तिलक ने भी आंदोलन किया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया था उन्होंने, होम रूल आंदोलन चलाया, लेकिन 20% जनसंख्या तक पहुंच गया, और महात्मा गांधी 100% जनसंख्या तक पहुंच गए, क्योंकि हर एक वर्ग को, क्योंकि इनका आंदोलन मल्टी क्लास मूवमेंट कहा जाता है, कोई भी आंदोलन का कोई भी वर्ग हमारे देश में इनके आंदोलन से अलग नहीं था और साथ में था वो।
तो इसीलिए मल्टी क्लास मूवमेंट वो चला रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक भी वर्ग अगर अलग रहेगा तो ब्रिटिश सरकार उनको ले आकर के खड़ा कर देगी सामने और कहेगी कि ये वर्ग हमसे खुश है। ठीक है, आप कहते हैं कि सारे वर्ग नाराज हैं, तो चाहते थे कि आंदोलन में सारे वर्ग आए ताकि उनके खिलाफ एक बड़ा प्रेशर क्रिएट किया जा सके। एंड द मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी वॉज पीसफुल, क्वाइट पीसफुल। ठीक है, वो कहते थे कि क्यों आखिरकार सत्याग्रह की टेक्निक पहली बार भारत आई थी उनके साथ, इससे पहले सत्याग्रह टेक्निक यूज नहीं हुई। सत्याग्रह समझते हैं आप लोग हैं? सत्याग्रह का मतलब होता है नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ पर बेसिक स्ट्रेटजी, कि अगर आप सत्य सच्चे सत्याग्रही हैं तो भारत के आंदोलन में आए और अहिंसा के साथ आप आंदोलन चलाएंगे, हिंसा के साथ नहीं, क्योंकि हिंसा से ब्रिटिश सरकार को उस आंदोलन को क्रश करने का बहाना मिल जाएगा। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड क्रश द मूवमेंट। ठीक है, और अगर अहिंसा के साथ आंदोलन चलाएंगे नॉन वायलेंस के साथ, तो द गवर्नमेंट वुड बी ऑलवेज इन डायलेमा वेदर टू क्रश द मूवमेंट और नॉट, एंड इफ दे वुड क्रश द मूवमेंट देन देयर क्रूएल फेस वुड एक्सपोज टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज तो हो जाएंगे वो, उनका अत्याचारी चेहरा एक्सपोज हो जाएगा। तो कभी भी जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि ये बुढ़ा क्यों नहीं फांसी पर लटक गया, ब्रिटिश सरकार ने इनको क्यों नहीं लटका दिया, किस केस में लटकाते वो? कोई केस होना चाहिए ना, कोई हत्या की थी, कोई हिंसा की थी, कोई मर्डर किया था? नहीं किया था। जिन लोगों ने किया उनको लटकाया, और जिन लोगों ने नहीं किया उनको लटका ही नहीं सकते थे वो, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी हो ऑटोक्रेटिक सरकार थी, लेकिन इतना डेमोक्रेसी उनके अंदर भी था कि वो नहीं लटका सकते थे उनको, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग जो है टूट पड़ते ब्रिटिश सरकार पर कि इन्होंने कौन सा अपराध किया। और बड़े नेता थे ना, कोई छोटे मोटे व्यक्ति थोड़ी थे, बड़े नेता थे, जेल में डालते थे ये लोग, उपवास वहां करते थे, उनके मरने का इंतजार ही लोग करते थे। मुझे याद है आज भी मैंने किताब पढ़ी थी जब, तो 1943 1942 के आंदोलन में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें जेल में डाल दिए गए थे बिफोर स्टार्टिंग द मूवमेंट ऑन 9 अगस्त 1942। द अर्ली मॉर्निंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, महात्मा गांधी को भी, जेल में पड़े रहे। 21 दिन का उपवास समर्थन में किया भारतीय युवाओं के लिए जो आंदोलन में लगे हुए थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस तरीके काम नहीं किए कि आपकी आलोचना कर दें वो। ठीक है, अपने आप में महात्मा गांधी मास माइंड को रीड करने वाले इतने जबरदस्त व्यक्ति थे। साल्ट को सोचिए, मुद्दा बना दिया था उन्होंने सीडीएम के लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साल्ट, साल्ट सत्याग्रह कहा जाता है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साल्ट को मुद्दा बनाया। क्यों? वो जनता की नब्ज को पकड़ते थे। ठीक है, वो जनता के माइंडसेट को पकड़ रहे थे कि साल्ट एक ऐसा इशू है जो हर जनता का हर वर्ग खाता है। ठीक है, टैक्सेस ज्यादा इस पर है। ठीक है, जो कोस्टल एरिया में रहने वाली जनता वो बना नहीं सकती इसको, है ब्रिटिश सरकार नमक बनाकर बेच रही महंगाई महंगे में, और नमक सबकी जरूरत है। कोई डिविसिव इश्यू, कोई विभाजन का इश्यू इस मुद्दे पर था ही नहीं, और इतने बड़े इतने छोटे से मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन क्रिएट कर दिया कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बड़े एरिया में फैला हुआ आंदोलन था जो भारत के हर कोने तक पहुंच गया। एवरी नूक एंड कॉर्नर वॉज अफेक्टेड बाई दिस मूवमेंट, इवन इन नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, सब कुछ। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में खान अब्दुल गफ्फार खान, साउथ नॉर्थ ईस्ट में जेलियांसांग मूवमेंट एंड रानी गोडिनलिव का मूवमेंट, एंड साउथ में तमिलनाडु तक यह आंदोलन था, केरल तक आंदोलन था। एवरी नूक एंड कॉर्नर वॉज अफेक्टेड बाई दिस मूवमेंट। हर जगह पर साल्ट सत्याग्रह, बिहार झारखंड हर जगह पर साल्ट सत्याग्रह किया जा रहा था, नमक तोड़ा जा, सोचिए यहाँ समुद्र नहीं है फिर भी नमक कानून तोड़ रहे हैं लोग झील के किनारे और नदी किनारे जाकर के। जब बारिश हो गई तो नमक छोड़ करके फिर नो टैक्स मूवमेंट चलाने लगे। तो चीजें मास माइंड को पकड़ सकते थे वो कि किस तरीके से हमें आंदोलन करना है, इसलिए इतना बड़ा इम्पैक्ट था, इतना बड़ा हो रहा था। इसलिए एक फेज को भारतीय इतिहास के 1917 to 1947 गांधियन एरा के नाम से जाना जाता है। ऑल द देर आर अदर स्ट्रीम्स ऑफ मूवमेंट ऑल्सो, लाइक रिवोल्यूशनरीज, लाइक सोशलिस्ट, लाइक पार्लियामेंट्रियंस एंड बहुत सारे लोग थे, लेकिन महात्मा गांधी का आंदोलन और इतना बड़ा था कि उनके नाम से जाना जाता है वो अपने आप में। ठीक है, तो ये चीजें रही हैं उसमें। चलिए, बहुत बकवास हो गया, थोड़ा सा डिफिनेशन लिख ले। व्हाट इज हिस्ट्री? तो हिस्ट्री को एक सिंपल वे में मैं डिफाइन कर रहा हूं, उसी सिंपल वे में हमें लेकर चलना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ पास्ट इंसिडेंट्स, दोज इंसिडेंट्स विच अफेक्टेड द नेशन, द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी एट लार्ज, वेदर इट वॉज निगेटिव और पॉजिटिव, वी हैव टू स्टडी दैट इंसिडेंट।
सो राइट ऑन द पॉइंट, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट इंसिडेंट्स, इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट इंसिडेंट्स, दोज इंसिडेंट्स, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे, दोज इंसिडेंट्स दोज इंसिडेंट्स विच अफेक्टेड, दोज इंसिडेंट्स विच अफेक्टेड अ कंट्री वर्ल्ड एंड सोसाइटी, विच अफेक्टेड कंट्री वर्ल्ड एंड सोसाइटी एट लार्ज, कैन बी स्टडीड, कैन बी स्टडीड इन द हिस्ट्री, कैन बी स्टडीड इन द हिस्ट्री, पैराचेंज करके लिखेंगे। देखिए इतिहास को ना कभी कभी कहा जाता है कि ये एक तरीके से ऐसी चीजें होती है इतिहास, मतलब इतिहास को हम लोग ये नहीं समझते, कभी कभी कुछ आलोचना में कहा जाता है ना कि गले मुर्दे उखाड़ने वाली चीजें हैं ये पढ़ रहे हैं हम लोग। इतिहास से फ्यूचर भी हमारा क्रिएट होता है, ठीक है, आपके लिए तो क्रिएट होगा ही होगा, क्योंकि बिना इतिहास को पढ़े हुए आप एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे, तो फ्यूचर तो आपको क्रिएट करना ही करना है। लेकिन हिस्ट्री, एक इतिहासकार ने कहा था, EHकार नाम था, यूरोपियन इतिहासकार था, उसने कहा था कि हिस्ट्री इज अ ब्रिज, ब्रिज बिटवीन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी तीनों के बीच एक तरीके का ब्रिज है ये। इतिहास के उस काल को लिखा है उस व्यक्ति ने जिस काल का इतिहास पढ़ने में बहुत कष्ट होता है लोगों को, हिस्ट्री बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स, यानी दो विश्व युद्ध के बीच का इतिहास लिखा उसने। और जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1918 में, तो जो विजेता राष्ट्र थे, जो कनकरर्स थे, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, ये लोग, इन लोगों ने जो डिफीटेड स्टेट्स थे, जैसे जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, ये सब डिफीटेड स्टेट्स थे, उनका एक सम्मेलन सभी का बुलाया था, और हराए गए राज्यों को स्पेशली कहा गया था कि आपको सर झुका कर आना है। पेरिस में बुलाया गया सम्मेलन था फ्रांस के कहने पर, और फ्रांस की पहली जीत भी बहुत बड़ी थी क्योंकि सम्मेलन पेरिस में बुलाया, लेकिन हार भी थी उसकी, ठीक है। उस व्यक्ति ने कह दिया था कि पेरिस सम्मेलन में जो कुछ हो रहा है ना, मतलब डिफीटेड राष्ट्र के खिलाफ, जर्मनी को आप बदला ले रहे हैं, ठीक है, जर्मनी से बदला लिया जा रहा, तुर्की से लिया जा रहा, ऑस्ट्रिया से लिया जा रहा है, ये बदले की भावना अगला वर्ल्ड वॉर शुरू कर देगी 20 साल बाद फिर से, ठीक है। 1919 में कहा था, ये भविष्यवाणी की थी उसने, और 1939 में ठीक 20 साल बाद फिर से वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो ये घटनाओं को समझने वाले एक व्यक्ति ने कहा था कि घटनाएं समझता था वो व्यक्ति, उसने उस पीरियड का इतिहास लिखा है, नाजीज्म का इतिहास लिखा, फाजिज्म का इतिहास लिखा, ये सब ऑटोक्रेटिक पावर्स थे, ठीक है, जो जर्मनी और इटली में शासन करने लगे, इन लोगों ने मिलकर के वर्ल्ड वॉर फिर शुरू कर दिया, क्योंकि अपमान जर्मनी का किया गया था, और किसी देश का अपमान अगर किया जाएगा किसी ट्रीटी में, किसी सम्मेलन में, तो उस देश के लोग हमेशा बदले और बदले के नारे लेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा। और हिटलर ने यही कह करके ना वहां पर सत्ता ग्रैब कर ली थी, यही कह करके कि आई वुड ब्रिंग द गुड डेज ऑफ जर्मन पीपल, यूज टू से इन हिज स्पीचेस, आई वुड ब्रिंग द गुड डेज ऑफ जर्मन पीपल, ठीक है, मैं जर्मनी लोगों के लिए अच्छे दिन लेकर आऊंगा, ठीक है। और वो यही कह करके सत्ता को एक्वायर कर गया, क्योंकि तो जर्मनी के लोगों को लगा कि यही व्यक्ति है जो हमारा भविष्य बदल सकता है, यही व्यक्ति है जो और लोगों से बदला ले सकता है, हमारे अपमान का बदला, हमारी सेना को जिन्होंने खत्म कर दिया, जर्मनी तो सैनिक राष्ट्र रहा है, जर्मनी की सेना डिस्ट्रॉय कर दी गई, डिसबैंड कर दी गई, ठीक है, तो जर्मनी की सेना डिसबैंड कर दी गई, बाकी लोग सेना बनाए रखे हुए थे, कैसे बर्दाश्त कर सकता जर्मनी, जर्मनी का जो पीपल थे ना वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते थे इस बात को। और जब जब किसी का अपमान किया जाएगा, जनता का, युद्ध तो शासक ने शुरू किया था ना, युद्ध तो विलियम ने शुरू किया, बदला उससे लेना चाहिए था, सजा उसको देनी चाहिए थी, वो भाग गया, ठीक है, उसको पकड़ नहीं पाए लोग, तो अब सजा किसको दे रहे, जर्मनी की पीपल को, जो कि गलत तरीका था, युद्ध जर्मनी के लोगों ने शुरू किया, जर्मनी के शासक ने शुरू किया, उसी तरीके से युद्ध हिटलर ने शुरू किया, सॉरी, युद्ध जर्मनी के लोगों ने शुरू किया, हिटलर ने शुरू किया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
वो चीजें नहीं हुई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई। जर्मनी से बदला नहीं लिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में विकास के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बहुत सारा फाइनेंस दिया गया उन्हीं विजेता राष्ट्रों के द्वारा, और विली ब्रांट नाम का एक व्यक्ति पैदा होता है जर्मनी में जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के लिए। सोचे कि हिटलर को तो नहीं दिया जा सकता था, तो चीजें बदल गई। ठीक है, विलियम के बाद हिटलर पैदा हुआ और हिटलर के बाद विली ब्रांट। इस पर रिसर्च करने की जरूरत थी कि क्यों हुआ ये, और रिसर्च किया लोगों ने, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जिस तरीके की बदले की कार्रवाई जर्मनी से की गई, जर्मन लोगों से बदला लिया गया, गलत था, और इसीलिए हिटलर जैसा व्यक्ति पैदा हो गया जो क्रूड ऑटोक्रेटिक रूलर था। ठीक है, और हिटलर के बाद जर्मनी से वो बदला नहीं लिया गया क्योंकि हिटलर को मार करके सभी देश शांत हो गए, पूरे एक बंकर में मारा गया अपनी प्रेमिका के साथ। ठीक है, छिपा बैठा था, पता है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, अपनी बीलेवेड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारा गया था बंकर में। कहा जाता है शादी भी कर ली थी बाद में। और सबसे खास बात जानेंगे आप लोग, इसने जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो ज्यूस थी, उन्हीं ज्यूस के खिलाफ वो ये कहता था कि इन्हीं ज्यूस लोगों ने जर्मन लोगों की नौकरियां छीन ली है। उनको एक गैस चैम्बर बना रखा था, उसमें डाल देता था। कभी मौका मिले तो एक फिल्म देखेंगे आप लोग, लाइफ इज ब्यूटीफुल, इंग्लिश में आई थी, वन ऑफ द बेस्ट मूवी है इस पर बनी हुई, इस विषय पर, लाइफ इज ब्यूटीफुल। उसमें एक ज्यूज लड़की जो है अपने फादर के साथ अपनी जान को बचाते हैं उस पूरे वर्ल्ड वॉर के दौरान, जर्मनी के हिटलर के अत्याचारों से बचने के लिए बचते हुए फिरते हैं लेकिन अंत मारे जाते हैं। लाइफ इज ब्यूटीफुल, उसे दिखाया गया है। हजारों ज्यूज को मार डाला गया और उसकी गर्लफ्रेंड ज्यूज थी। सोचिए, जिन ज्यूज लोगों के खिलाफ वो नफरत भरता था, ठीक है, जर्मनी के लोगों में, क्योंकि उसकी पूरी पॉलिटिक्स उसी पर थी, पूरी पॉलिटिक्स उसी ज्यूज के खिलाफ नफरत पर थी, और वो वही कर गया। तो इन्हीं चीजों को समझना है हमें कि क्या किया जाता है। ठीक है, हिटलर जैसे व्यक्ति, ये दोबारा जर्मनी उन्हें याद भी नहीं करता। कभी एक जनरेशन उसके पीछे पागल थी, आज की डेट में जर्मनी के लोग उसे याद नहीं करते हैं। जर्मनी चले जाए, आज की डेट में इतिहास जर्मनी का, उसके बाद भी मैंने पढ़ा है, जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जर्मनी एक सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई आज की डेट में यूरोप की, वो वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। हिटलर ने नहीं किया, हिटलर ने तो सिर्फ वॉर इकोनॉमी क्रिएट किया था कि युद्ध के काल में वो अर्थव्यवस्था प्रमोट होगी, लेकिन जब युद्ध नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था गिर जाएगी वो, क्योंकि युद्ध पर ही पूरी टिकी हुई थी इनकी इकोनॉमी। और कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे यूरोपीय देशों का भी हाथ था, खैर उस पर चर्चा बाद में करते रहेंगे, लेकिन परिभाषा लिख लेना आप लोगों ने। हाँ, ई एच कार वाली लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू ई एच कार, ई एच कार, अकॉर्डिंग टू ई एच कार, हिस्ट्री इज अ ब्रिज, हिस्ट्री इज अ ब्रिज बिटवीन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हिस्ट्री इज अ ब्रिज बिटवीन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हिस्ट्री इज अ ब्रिज बिटवीन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये डिफिनेशंस मैंने लिखाया है, लेकिन अब हम बात करेंगे डिवीजन पर, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट हाउ इन अ कंट्री हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, किसी तरीके से डिवाइड होता है। दुनिया के सभी देश अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन भारत में अंग्रेजी शासन काल में एक्चुअली हिस्ट्री लिखा गया था हमारा, और उन्होंने डिवीजन अलग तरीके से किया, लेकिन भारत के इतिहासकारों ने समझदारी के साथ उसको डिवीजन को सही किया, और जो प्रेजेंट और साइंटिफिक कंटेक्स्ट में जाता है उसी के अनुसार डिवीजन किया। अंग्रेजों ने किया था एंशियंट पीरियड को हिंदू पीरियड, मिडाइवल पीरियड को मुस्लिम पीरियड, और मॉडर्न पीरियड को मॉडर्न पीरियड, क्रिश्चियन पीरियड नहीं, तो करना चाहिए था, जब धर्म के आधार पर कर ही रहते तो तीनों फेज को कर देते, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ईसाई पीरियड। भारत जैसा डिवीजन दुनिया में कहीं नहीं होता, और तीनों कम्युनिटी के लोगों ने शासन चलाया है, हिंदुओं ने भी चलाया, मुस्लिमों ने भी चलाया, और ईसाइयों ने भी चलाया, तो भारत का इतिहास अनोखा हो जाता। ठीक है, लेकिन एक्चुअली साइंटिफिक डिवीजन जो है अलग होता है। साइंटिफिक डिवीजन इसी तरीके से होता है, एंशियंट हिस्ट्री। दुनिया भर में जो भी डिवीजन हुआ इसी के आधार पर हुआ।
अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया, तो उसके पीछे का कारण आप जानते हैं, बिकॉज दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इन इंडिया। इनके अनुसार एंशियंट पीरियड हिंदू डोमिनेटेड था, जबकि जानते हैं आप लोग एंशियंट पीरियड में ब्राह्मण रिलीजन था, हिंदू तो थे ही नहीं, हमें हिंदू कहा ही नहीं गया। ठीक है, हिंदू कहने वाले पहले लोग जो थे अरबियंस थे, जो 700 के बाद भारत आना शुरू होते हैं, और 700 तक एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाते हैं। ठीक है, 700 के बाद पहली बार अरबी लोगों ने हमें हिंदू कहा था फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले हिंदू शब्द का यूज नहीं हुआ, और हिंदू क्यों कहा, क्योंकि सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले जितने भी लोग थे सबको हिंदू कह दिया। एक ज्योग्राफिकल एरिया का लोगों में रहने वाले लोगों का नाम है ये कोई रिलीजन नहीं था। अब यहाँ पर बुद्ध भी रहते थे, यहाँ पर जैन भी रहते थे, यहाँ पर और भी धर्मों के लोग रहते थे, मुस्लिम नहीं थे लेकिन बुद्ध थे, जैन थे, और भी बहुत सारे धर्म चले थे भारत में, उन सब के लोग रहते थे। तो सारे तो ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, और सारे धर्मों के लोग थे, उन सबको हिंदू कहा सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले लोगों को। और इसे रिकॉग्नाइज किया है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी इस पर गया था कि क्या हिंदू कोई रिलीजन है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदू एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों का, जो सिंधु के पूरब में रहते हैं, उनका दिया गया एक नाम है। हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरियाज पीपल दैट हैड बीन गिवन बाय अरबियंस। ठीक है, ये एक नाम दिया गया हमें, और इस तरीके से कहा गया हमारा धर्म ब्राह्मण था, ब्राह्मण रिलीजन था, एंशियंट पीरियड से आपको पढ़ाया जाएगा, या वैदिक रिलीजन था, वैदिक रिलीजन या ब्राह्मण रिलीजन, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री सारे हिंदू तो थे ही नहीं, बहुत सारे विदेशी भी आए थे इस काल में, पता है ना आप लोगों को, उनको किस रूप में शामिल किया गया वो भी आपको बातचीत करेंगे हम लोग, इन हिंदू सोसाइटी में और हमारे समाज में किस रूप में शामिल हुए वो आपको पता चलेगा। दूसरा पीरियड है मिडाइवल पीरियड। एंशियंट पीरियड का जो टाइम पीरियड आपको लिखना है ना, इसको लिख लें आप लोग, 2500 BCE टू 700 CE। अब BCE और CE क्या है वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, पहले इसी को BC और AD कहा जाता था, तो अब NCERT में भी नाम चेंज हो गए हैं, BCE और CE कहा जाता है। 700 CE टू 1800 CE, 1800 के बाद भारत में मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ। ठीक है, और हमें मॉडर्न पीरियड में हम आ गए। तो ये शुरू हुआ था 1800 टू टिल डेट। एटीन हंड्रेड टू टिल डेट मॉडर्न हिस्ट्री 1800 के बाद ही हम क्यों मानते हैं, तो उसके पीछे का कारण है कि राजा राम मोहन रॉय ने और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने भारत में समाज सुधार किया, भारतीय समाज और धर्म को आधुनिक बनाना शुरू किया, हमारी सोच को आधुनिक बनाना शुरू किया, और दैट्स वाई राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। ये शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राम मोहन रॉय को कहा जाता है, तो 1800 के बाद उनका काल आता है। इन दोनों के बीच डिवीजन का आधार क्या है ये मैं बता देता हूं। इन दोनों के बीच डिवीजन का जो बेसिस है वो फ्यूडलिज्म है। फ्यूडलिज्म इन दोनों के बीच डिवीजन का जो बेसिस है वो है रेनेशा। तो दोनों के बीच के डिवीजन का बेसिस अलग अलग है, यानी एंशियंट से मिडाइवल में जब जाते हैं तो फ्यूडलिज्म उसका बेसिस होता है डिवीजन का, दुनिया के किसी भी देश में डिवीजन का बेसिस यही होता है, और यहां से यहां जाते हैं तो रेनेसा होता है, विशेषकर यूरोपियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास, इन सब में। हमारे देश में भी रेनेसा आया, यूरोप में भी रेनेसा आया, और वो समाज उनका मॉडर्न हो गया, सोसाइटी, रिलीजन, सब कुछ मॉडर्न हो गया, हमारा भी हो गया। ठीक है, इसकी वजह से हमारे देश में देर से शुरू हुआ, उनके देश में पहले शुरू हो गया था। अब इसी पर बातचीत करनी है। डिवीजन आपको क्लियर है, अभी दो एक दो चीजें मैं इसमें बता दूं कि बीसी और सीई क्या है,
देन आफ्टर प्लूरलिज्म पर थोड़ी सी बातचीत और रेनेसा पर कर लेंगे आपसे, ठीक है। वैसे मॉडर्नाइजेशन किसे कहा जाता है, हाउ कुड यू डिफाइन, जस्ट डिफाइन दिस वर्ड, हाउ कुड यू से दैट यू आर मॉडर्न, आप कह सकते हैं अपने आप को कि आप मॉडर्न हैं, या मतलब समाज में जैसे बहुत सारे कस्टम और ट्रेडिशन होते हैं जिसे हम अपनाते हैं, ब्लाइंडली अपनाते हैं, ठीक है। बट जब हम किसी कस्टम ट्रेडिशन को अपनाने से पहले लॉजिक का इस्तेमाल करें, रीजन का इस्तेमाल करें कि वाई वी शुड अडॉप्ट दिस कस्टम या दिस ट्रेडिशन, जब हम ये क्वेश्चन रेज करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन हमें मॉडर्न बना देता है। ये क्वेश्चन किस वजह से आता है, लॉजिक और रीजन की वजह से, ठीक है। जब ये क्वेश्चन रेज होगा ना जिस दिन कि मैं इस कस्टम को क्यों अपनाऊं, तो अपने आप में मॉडर्न पर्सन है, ठीक है। जिस दिन रेज नहीं करेंगे और ब्लाइंडली किसी चीज को अपनाएंगे ना, उस दिन आप मॉडर्न पर्सन नहीं रहेंगे। जैसे आपको जबरदस्ती कोई अंगूठी पहना देता है, बहुत सारी अंगूठियां नगों वाली होती है ना, वो सब पहना करके आपको पास कराते हैं लोग एग्जाम में। ये पहने वो अलग बात, ठीक है। अभी तो मैं फिलहाल इसी पर बात कर रहा हूँ। तो अंगूठियां पहन करके पास होते हैं, कभी पूछा आपने कि अंगूठी क्यों पहनाया गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कोई साइंटिफिक रीजन है। जब ये क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपके घर वाले या जो और लोग होंगे ना, वो कहेंगे बहुत पढ़ा लिखा होगा, सर तोड़ दिया जाएगा तुम्हारा, ज्यादा पढ़े लिखे ना बनो। तो कई बार चुप भी हो जाते हैं लोग, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, तो मुश्किल हो जाता है समझाना, उनको कौन समझाएगा। उनको समझाना अपने आप में सबसे अपहिल टास्क माना जाता है, घर के बड़े बुजुर्गों को नहीं समझा सकते आप, ठीक है। वो बहुत ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं और आपको भी उसी तरीके से ढालना चाहते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट जब हो गया कि हम क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछेंगे, हो सकता है उनसे ना पूछे, किसी और से पूछ ले, तो पूछना चाहिए। और इसी से मॉडर्नाइजेशन होता है। तो मॉडर्नाइजेशन डिपेंड्स ऑन द लॉजिक रीजन एंड योर क्वेश्चन ऑन व्हाई दिस ट्रेडिशन शुड बी अडॉप्टेड, व्हाट शुड बी द रीजन, ठीक है। जब ये पूछेंगे तो अपने आप मॉडर्न होंगे। अब कितने लोग मॉडर्न है वो समझने की जरूरत है। मॉडर्नाइजेशन अभी भी चल रहा है हमारा, ये चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा, ठीक है। यूरोप भी कभी मॉडर्न नहीं था, लेकिन वहां के लोग बहुत हद तक मॉडर्न हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है, वो लोग भी हैं, बहुत सारे कंजर्वेटिव चीजों को वो आज भी करते हैं। और कोई भी व्यक्ति परफेक्ट वे में पूरा मॉडर्न होना थोड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत स्टडी, बहुत एजुकेशन की जरूरत होती है उसके लिए, बहुत सारी चीजें करनी होती, तब जाकर के हो पाता है वो, अदरवाइज नहीं हो पाता है। जैसे मैं लगभग हर चीज के खिलाफ रिवोल्ट करता हूँ, ठीक है। वो अलग बात है कि घर में नहीं कर पाता, लेकिन कभी बाहर होता हूं तो करता हूं। क्या करें, घर में नहीं कर पाते क्योंकि घर में बड़े बुजुर्ग, उनको कौन रेसिस्ट करेगा, ठीक है, नहीं हो पाता है। मम्मी अंगूठी देती थी, पहन करके जाता था, दिल्ली निकाल के फेंक देता था, ठीक है। अब कहाँ गया, तो जब वापस घर आता था बिना अंगूठी के, तो पूछती थी कहाँ अंगूठी गया। वो उसमें पहनते हैं ना सबसे लास्ट वाली फिंगर, वो शांति वाली अंगूठी, हाँ, उसको पहनने के बाद और अशांत हो गया मैं, ठीक है, और ज्यादा विस्फोट होने लगे। तो मैंने कहा कि इससे ज्यादा अच्छा है कि इसको फेंक दो, ठीक है, थोड़ा कम अशांति रहेगी। तो वही है, अब जैसे जैसे पढ़ने लगा वैसे वैसे लॉजिक और रीजन आने लगे हर चीज में। अब घर में एक दिन क्या हुआ, बृहस्पतिवार को सेविंग कर रहा था, मम्मी थी तब, अब तो नहीं रही, खैर ठीक है, लेकिन कर रहा था, तो मम्मी देख ली बृहस्पतिवार अभी सेविंग कर रहे, ठीक है, नहीं करते हैं। मैंने कहा क्यों, मुझे कहीं जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो मैं सेविंग करके जाऊंगा, अब जंगल बढ़ा करके तो नहीं जाऊंगा। अब आज जंगल बढ़ाकर जा सकते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा इम्पैक्ट दूसरे का हो गया है। आवाज हम्म,